कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चुन्नू उर्फ नरसिंह यादव पुत्र मोती यादव निवासी नगपुर थाना महदावल जनपद संत कबीर नगर में के रूप में हुई है, जिसके पास से मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 4 मई की रात्रि में प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर अभियुक्त चुन्नू यादव उर्फ नरसिंह द्वारा पिंटू निषाद निवासी बांटोला जलार थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर की मारपीट कर गला दबाकर हत्या करके मृतक का मोबाइल गायब कर दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमार साहनी, अतुल तिवारी, कांस्टेबल विवेक कुमार, एकांश सिंह, विपिन कुमार वर्मा, हरिनाथ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात्रि में एक सूचना मिली कि एक लड़के ने एक गुड़िया नामक लड़की के गले में चाकू मार दिया है। इस पर तहरीर लेके और FIR दर्ज किया गया तो जानकारी हुई कि उस लड़की से एक किशन नामक लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि एरोली कुशीनगर का निवासी था। वो वहाँ लड़की के गांव में आया हुआ था, उससे शादी के संबंध में कुछ बातचीत हुई, जिसी में लड़की के मना करने पर उसने उसको चाकू मार दिया और हाथ पे भी एक प्रहार किया। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। दोनों पूर्व परिचित थे और जो अभियुक्त है वो लड़की के मतलब उसके रिलेशन में है, उसके पिता के साड़ू का लड़का है।